नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि जो करंट अफेयर्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, और हमारे जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो काफ़ी कुछ करंट अफेयर्स पर भी निर्भर करता है। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का हमारा सेशन है करंट अफेयर्स पर होगा, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत फुटबॉल टीम ने नवीनतम फीफा रैंकिंग में अपना स्थान बरकरार रखा है। हमें इसमें या इसमें और भी घुमा के पूछ सकता है कि भारत की जो फुटबॉल टीम है उसका फीफा रैंकिंग क्या है, तो हमें बताना होगा। हमारे ऑप्शन है ए 108वां, बी 104वां, सी 97वां, डी 100वां। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 108वां। जो भारतीय फुटबॉल टीम का नवीनतम फीफा रैंकिंग है वह है 108 नंबर पर भारतीय टीम है, और फर्स्ट नंबर पर है आपकी बेल्जियम की टीम। बेल्जियम जो इस रैंकिंग में फर्स्ट पर है वह है बेल्जियम की टीम। सेकंड नंबर पर है फ्रांस की टीम, जिसने 2019 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। और तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील की टीम। और हम बात करेंगे अब फीफा का फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा गया है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देना चाहता हूँ आपको। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1904 ईस्वी को स्थापना हुई थी। और क्या दिन था उस 21 मई 1904 को। और इसका जो मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और जो फीफा के अध्यक्ष है वर्तमान में वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP द्वारा गुडविल एंड एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए ग्रेटा थनबर्ग, बी एम नीथरा, सी मलाला यूसुफजई, या ऑप्शन नंबर डी ज्योति कुमारी। तो भाइयों, हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी एम नीथरा। एम नीथरा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं ये भारत के भारत के तमिलनाडु राज्य से ये इनका संबंध है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आलोचनात्मक और सोच और मानवतावादी मूल्यों के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। हमारे ऑप्शन है ए जावेद अख्तर, बी अनु मलिक, सी नसरुद्दीन शाह, डी अनुपम खेर। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जो हम बात करेंगे अब जावेद अख्तर साहब की, तो जावेद अख्तर साहब जो हैं ये बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक और गीतकार हैं। क्या हैं? प्रख्यात लेखक और गीतकार हैं। और भाइयों, आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये जो जावेद अख्तर साहब हैं ये पहले भारतीय हैं जो इन्होंने जो जिसने ये अवार्ड जीता हुआ है, ये पहले अवार्ड प्राप्त करता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन होते, ये जावेद अख्तर साहब होंगे। तो ये जो पुरस्कार है यह 2003 से दिया जा रहा है, 2003 से दिया जा रहा है यह पुरस्कार, और 2020 में अब यह पुरस्कार जावेद अख्तर साहब को मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जिसे औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी पौड़ी या डी गैरसैंण। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी गैरसैंण। गैरसैंण है, उसे औपचारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। यह गैरसैंण जो है यह चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में गैरसैंण स्थित है और इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी वैसे है देहरादून, देहरादून। और उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ पर राज्यपाल जो हैं वह हैं बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में वर्जीनिया राज्य सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला मुस्लिम कौन बनी है? लगी पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है जो अमेरिका में वर्जीनिया राज्य सीनेट के लिए चुनी जाएंगी? हमारे ऑप्शन है ए गजल हाशमी, बी नफीसा मोहम्मद, सी मुस्लिम मलिक, डी शरीफा कदम। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए गजल हाशमी। गजल हाशमी जो है अमेरिका में वर्जीनिया राज्य सीनेट के लिए चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं। तो ये अमेरिका में चुने जाएंगे, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वह है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और जो अमेरिका में करेंसी चलती है, क्या चलती है करेंसी? यूएस डॉलर। क्या है? अमेरिकी डॉलर चलता है। और जो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। और डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से संबंधित है? ये डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व इसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। जो पक्के टाइगर रिजर्व जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में, तो हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ जो गवर्नर है वो कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और इसी प्रकार अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो पंजाब के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बीपी सिंह बदनौर। कौन है? बीपी सिंह बदनौर। इसी प्रकार अगर त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है? बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव। और यहाँ पर गवर्नर है कौन है? वहाँ यहाँ पर गवर्नर है रमेश बैस, रमेश बैस। इसी प्रकार अभी हमने उत्तराखंड की जो बताई थी राजधानी, गवर्नर और सीएम, तो अगर आपको पता है तो आप हमारे साथ दोहराइए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और अभी उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई है। कौन सी राजधानी बनाई है ग्रीष्मकालीन? और कौन है वो? है गैरसैंण, गैरसैंण। और उत्तराखंड में जो सीएम है वो है, उत्तराखंड में सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड में जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जियो इमेजिंग सैटेलाइट जी सैट वन लॉन्च करेगा? हमारे ऑप्शन है ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, बी राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, सी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रोस्कोसमोस टेस्ट स्टेट कॉरपोरेशन या ऑप्शन नंबर डी जापान एयरोस्पेस
एक्सप्लोरेशंस एजेंसी। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसको इसका जो आप लोग बहुत ही भली भांति के नाम से जानते होंगे वो है इसरो। इसरो का ही फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। तो हम बात करें अगर इसरो की, तो इसरो की स्थापना जब हुई थी वह तारीख थी 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके प्रेजेंट टाइम जो सीईओ हैं वह हैं के सिवन, के सिवन, के सिवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय मूल के शोधकर्ता का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए, संदीप त्रिवेदी, बी, नीरज शर्मा, सी, सीमा भटनागर, या ऑप्शन नंबर डी, सलीम यूसुफ। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा वो भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं जिसे ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वह का है कैनबरा। कैनबरा है वह ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया में करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या चलता है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। जो यहाँ पर डॉलर चलती है करेंसी। क्या चलती है? डॉलर। डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए पशुपालकों से गाय के गोबर के उत्पादन के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? कौन सी योजना? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना चालू करने वाला कौन सा राज्य है? तो वह हमारे ऑप्शन है ए, पश्चिम बंगाल, बी, मध्य प्रदेश, सी, असम, या ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वह वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए पशुपालकों से गाय के गोबर के उत्पादन के लिए गोधन न्याय योजना चालू करेगा। तो छत्तीसगढ़ की बात करें अगर, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी है रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और रायपुर है। और अगर यहाँ की बात करें यहाँ के सीएम की, तो वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और जो यहाँ पर गवर्नर है वह है अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। इसी प्रकार अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कौन है? कोलकाता। और यहाँ पर सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वह हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और इसी प्रकार हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की जो सीएम है वह है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था लालजी टंडन। तो इस समय वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है वह है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इस प्रकार अगर हम असम की बात करें, तो असम की जो राजधानी है वह है दिसपुर। और असम में जो सीएम है वह है सर्बानंद सोनोवाल। और असम में जो गवर्नर है वह है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CARO 2020 किसको द्वारा जारी किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए, जनजातीय मामलों के मंत्री, बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, सी, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय जिसे MCA कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, संसदीय कार्य मंत्री।
जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कारो 2020 जारी किया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसके कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय किसके पास है, तो वह है आपके अनुराग ठाकुर के पास। किसके पास है? अनुराग ठाकुर के। जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। इसी प्रकार अगर हम जनजाति मामलों के मंत्री की बात करें तो वो कौन है? वह है अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ये कौन है? ये है हरसिमरत कौर बादल। कौन है? हरसिमरत कौर बादल। इसी प्रकार संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 7। तो भाइयों हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 6। 2020 तक भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए अभिनेता सोनू सूद द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मुक्त ऑनलाइन मंच का ऑनलाइन नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है ए प्रवासी रोजगार, बी महाजॉब्स, सी प्रवासी कल्याण या डी माइग्रेंट जॉब फेयर। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए प्रवासी रोजगार। जो प्रवासी रोजगार है वह है अभिनेता सोनू सूद द्वारा चालू किया गया मुक्त ऑनलाइन मंच है। जैसा कि ये अभिनेता सोनू सूद जो है वो लॉकडाउन में जो प्रवासियों के लिए एक मसीहा बनकर आया है। इनसे एक क्वेश्चन लगभग शायद जरूर से जरूर पूछा जाएगा पेपर में, और काफ़ी इस बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 3 मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 3 मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र है वह भारत की किस नौसेना अकादमी में स्थापित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है ए ओखा, बी करवती कवरत्ती, सी एजिमाला या डी कारवार। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी एजिमाला। एजिमाला में ही भारतीय नौसेना अकादमी, एजिमाला की भारतीय नौसेना अकादमी में जो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और ये ऐसा भी पूछ सकते हैं एजिमाला जो नौसेना अकादमी वो कहाँ पर है? यह है केरल में। कहाँ पर है? केरल में, केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है यह एजिमाला अकादमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के पहले शैन उपग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है ए एनासिस सेकेंड, स्पेक्ट्रेट आर, क्रोनस फोटोन या डी ऑप्शन है ग्लोनस के। क्या नाम है? ग्लोनस के। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए एनासिस सेकेंड। एनासिस सेकेंड जो है दक्षिण कोरिया का पहला शैन्य उपग्रह है जिसे स्पेक्स एक्स ने लॉन्च किया है। अगर हम बात करें स्पेक्स एक्स की, तो स्पेक्स एक्स एक प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी है। और यह कहाँ की एरोस्पेस एजेंसी है? यह है अमेरिका की प्राइवेट एरोस्पेस एजेंसी है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं एलन मास्क। कौन है? एलन मास्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ किए गए उच्च अंत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है ए मालाबार, बी स्लाइनेक्स, सी पैसेज एक्सरसाइज या डी वरुण। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज है हाल ही में हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ किए गए उच्च अंत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है।
अगर हम नौशनिक अभ्यास की बात करें तो ये सारे ही कोई ना कोई नौशनिक अभ्यास हैं। तो हमें बताना है कि ये किस किस देश के साथ होता है। तो अगर हम बात करें मालाबार की, तो मालाबार जो है ये नौसैनिक अभ्यास है। इसमें जापान, कौन है, जापान, इंडिया, भारत मतलब, और अमेरिका की तीनों संयुक्त सेनाएं इस अभ्यास में भाग लेती हैं। इसी प्रकार स्लिनेक्स, स्लिनेक्स जो है यह इसके साथ होता है। स्लिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, समझे, भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसैनिक अभ्यास है। इसी प्रकार अगर वरुण की बात की जाए तो वरुण जो है या फ्रांस के साथ, फ्रांस और भारत का एक नौसैनिक अभ्यास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे जर्मन प्रौद्योगिकी प्रमुख एस ए पी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन है ए सी पी गुरनानी, बी संजय गुप्ता, सी राजेश गोपीनाथन, डी कुलमीत बावा। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलमीत बावा। कुलमीत बावा ही है जिसे जर्मन प्रौद्योगिकी प्रमुख एस ए पी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताएं जिसका हाल ही में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए आकाश, बी त्रिशूल, सी ध्रुवस्त्र या डी धनुष। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र ही है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका भारत द्वारा अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाइयों कैसा लगा आपका आज का ये हमारा करंट अफेयर वाला टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप को ये अच्छा लगा हो क्विज तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। चलते हैं, जय हिंद।